हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर से एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, जितने भी हमने वीडियो देखे लास्ट के 3-4 वीडियो, उनमें हम सिर्फ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वर्ग 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक वर्ग 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास की हम बात करेंगे बच्चों। और वर्ग जो 17 है, इसमें हमारे पास में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरे नाम से हम किससे जानते हैं। तो ये जो आपके पास में है, इसको हम यहाँ पर 7A के नाम से भी जानते हैं, या फिर बोलें हैलोजन परिवार के सदस्य है, हैलोजन परिवार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा NH2NP5, मतलब कि P जो होगा, P में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, ठीक है। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन कौन यहाँ पर होंगे, 5, 2, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास में, 7। अब बात करते हैं कि सर इस वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उन तत्वों की बात करते हैं हम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटाइन आपके पास में ये तत्व दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब इन तत्वों का परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं हम लोग। देखो, ये जो आपके पास परमाणु क्रमांक आएगा, ये आ गया आपके पास में 9, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा पास में 53 और ये आ जाएगा पास में 85। देखो, 9 में 8 ऐड किए, कितने हो गए 17, 17 में आपने कितने जोड़े, यहाँ पर 18 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। फिर 35 में आपने कितने जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए, कितने हो गए 53। अब 53 में आपने कितने जोड़ दिए, 32 जोड़ दिए बच्चों, फिर 32 जोड़ने में कितने हो गए 85 नंबर हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, तो देखते हैं आपके पास में इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 होंगे। और इलेक्ट्रॉन को उनके उपकोष में भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है बच्चों। अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2, 4, 5, 9, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब आगे बात करते हैं क्लोरीन की, ये आपके पास में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब बात करते हैं ब्रोमीन की, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। क्या इसके पास में 35 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो देखते हैं 2, 2, 4, ये 10, ये 12, ये 18, ये 28, ये 30, 35, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब लास्ट जो हमारे पास में तत्व बच रहा है, वो बच गया हमारे पास में 85 नंबर का एंस्टेटाइन बच गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। और यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पहले बताया था बार बार, परमाणु क्रमांक अंतर कितना आ रहा है 32 का, मतलब कि F ब्लॉक भी आ जाएगा और F ब्लॉक यहाँ पे आएगा 4f4d 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p5, ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें वर्ग 17 के तत्वों की,
और वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं इसको हैलोजन परिवार के सदस्य भी कहा जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NH2NP5 होता है, और NH2NP5 मतलब कि भायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों, 7 होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है NH2NP5, मतलब कि आपके पास में इस N का, जिस N का मान क्या होगा, समान होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास में दिया गया है 2H2 2P5, यहाँ पर आपके पास में 3H2 3P5, यहाँ है 4H2 4P5 बच्चों, यहाँ पर कितना है 5H2 5P5 बच्चों, और यहाँ पर कितना आएगा 6H2 6P5 बच्चों। तो सभी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे, और सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NH2NP5 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बातें करेंगे हमें अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।